हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज की इस वीडियो में 12th फिजिक्स के 7 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब न्यूमेरिकल को मैंने अनसॉल्व पेपर से लिया गया, जो कि लगभग कई अनसॉल्व पेपर में आए हुए हैं। इन सब न्यूमेरिकल को आप अभी तैयार कर लो, अगर करते हो तो अब की बार 90 पार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है न्यूमेरिकल कि दो बिंदु आवेश को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। फिर इन्हीं जो दो आवेश थे, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है, देखने में भले ही लंबा लग रहा हो लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपको सबसे पहले जो काम करना वो लिखना है, दिया है, ठीक है। जो जो चीज़ें दिया है उनको लिख लेना है, पहले हल लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है दिया है, देखिए क्या चीज़ इसमें दिया है, एफ की वैल्यू दे रखा है 80 न्यूटन, ठीक है। और इसके बाद एक फिर बल एफ डैश की जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8 न्यूटन हो जाता है। ये हो गया 8 न्यूटन, ठीक है। अब हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता था हमारा 1/4π ε₀ Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पहला जो F दिया है वो कितना दिया है, जब दो आवेश रखता है तो F की वैल्यू 80 न्यूटन। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये F की जगह क्या रख देंगे, 80 इक्वल 1/4π ε₀ Q1 Q2/r का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो एफ डैश की वैल्यू कितना दिया है आपका, 8। देखिए इसी सूत्र पे पुट करना है तो ये लिख देंगे सूत्र, एफ बराबर 1/4π ε₀ Q1 Q2/r का स्क्वायर। ये कब है, जब परावैद्युत पदार्थ में रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है तब के लिए। तो परावैद्युत पदार्थ के लिए रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ K। तो यहाँ से एफ डैश की जो वैल्यू है, एफ डैश है ये, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू कितना, 8 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे 8 न्यूटन ऊपर आप देख सकते हो, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें आता है आपको इस तरह से लगाना है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। 8 न्यूटन इक्वल 1/4π ε₀, ये परावैद्युत पदार्थ में रखा गया तो के Q1 Q2/r का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 1/4π ε₀ Q1 Q2/r का स्क्वायर के बराबर कितना है, 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/4π ε₀ Q1 Q2/r के स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम इसके जगह पे 80 रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ही 1/4π ε₀ Q1 Q2/r का स्क्वायर के बराबर क्या है, 80। तो आपका 8 बराबर हो जाएगा, ठीक है, 8 बराबर इसके जगह पे हमने क्या रख दिया, 80। बचा क्या हमारा, K बचा, ठीक है। तब K को पुट कर देंगे, ये हो गया K। अगर यहाँ से परावैद्युतांक पदार्थ का, ये माध्यम का परावैद्युतांक निकालें तो आपका K बराबर हो जाएगा, ये K है, ठीक है, भाग में इधर आएगा तो गुणा में, ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में, 80/8, ये कट कर हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो परावैद्युतांक जो आपका आ गया वो क्या आ गया, 10 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो दे रखा है, ये मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए, 10 μF के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, इसमें परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तो हम देर लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, हल के बाद लिखेंगे दिया है, जो जो चीज़ें दिया उनको लिख लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल में होता है स्टेप मार्किंग। तो C μF दिया, C = 10 आपका दिया है μF, ठीक है। ये μF को हम किस में बदल देंगे, फैरड में, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁶ F², ठीक है। संधारित्र का विभवांतर कितना है, 100 वोल्ट है, यानी कि वी की वैल्यू 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। ये V1 की वैल्यू है, ये V1 की वैल्यू है। इसके बाद V2 की वैल्यू दे रखा है 200 वोल्ट,
ये है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा, इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं गाइस कि ऊर्जा परिवर्तन डेल यू बराबर होता है यू टू माइनस यू वन, ये सूत्र होता है, ठीक है। ऊर्जा परिवर्तन के लिए ये सूत्र होता है। तो हम अगर निकालेंगे पहले यू वन के लिए, तो यू वन बराबर हमारा हो जाएगा हाफ सी वी वन का स्क्वायर, ठीक है। अगर यू टू बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सी वी टू का स्क्वायर। इस चीज पे इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेल यू बराबर, पहले यू टू की वैल्यू रखना है, यू टू की वैल्यू क्या है, ये है, तो हो जाएगा आपका हाफ सी वी टू का स्क्वायर माइनस यू वन की वैल्यू रखना है हाफ सी वी वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़ है, वन अपान सी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी वन अपान सी कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। सिंपली कॉमन कर लिया तो बचा क्या, वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इस सूत्र पे आप सिंपली पुट करोगे तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल यू बराबर, अब इसकी वन अपॉन टू हो गया ये, और सी की वैल्यू कितना दे रखा है, टेन इंटू टेन के पावर माइनस सिक्स, ये कर पुट कर देंगे टेन इंटू टेन के पावर माइनस सिक्स, फिर ब्रैकेट में इन ब्रैकेट वी टू की वैल्यू आपका दे रखा है 200, ठीक है, 200 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मझले कोष्टक में रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे छोटे कोष्टक का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। माइनस वी वन की वैल्यू कितना है, 100 वोल्ट है, इसको अभी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मझला कोष्टक आपका बंद हो गया। अब देखिए इसका हम करेंगे, खोलेंगे इसको तो क्या आएगा, इसको काट देते हैं, दो पंचे दस हो गया, ये पाँच का मल्टीप्लाई एक में किए तो पाँच ही आ जाएगा, तो हो जाएगा पाँच गुणते दस के पावर माइनस सिक्स। अब देखिए इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक दो तीन चार माइनस, अब इसको भी खोलेंगे तो ये भी हो जाएगा चार, एक दो तीन चार, ठीक है, ये हमने खोल दिया। अब देखिए इसके बाद आएगा क्या हमारा, डेल यू बराबर आपका आ जाएगा, ये है पाँच गुणते दस के पावर माइनस छः। अब ये है आपका कितना, इसको हमने खोला तो सारी यहाँ पे दो दुना के चार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा चार इस तरह से, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, दस हज़ार में से अगर आपका एक हज़ार जाएगा, दस हज़ार ये कितना है, चालीस हज़ार, चालीस हज़ार में से दस हज़ार जाएगा तो कितना बचेगा, तीस हज़ार, इतना बचेगा, ठीक है। तब इसको क्या लिख सकते हैं हम, पाँच गुणते दस के पावर माइनस छः गुणते तीन गुणते दस के पावर चार, ठीक है। इसको हम किस पे लिख कर दिए, पावर पे कर दिए, तो पाँच त्याय के पंद्रह, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए डेल यू बराबर पंद्रह गुणते, अब देखिए दस के पावर माइनस छः ये चार बेस सेम है, ये क्या आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा आपका, माइनस छः प्लस चार बराबर क्या आ जाएगा, माइनस दो, ठीक है। ये आपका जो पंद्रह गुणते दस के पावर माइनस दो, इसको लिख सकते हैं 0.15। अब ये क्या है, ये ऊर्जा है, इसका मात्रक हो जाएगा जूल, ये हो गया आपको, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक समांतर प्लेट वाइज संधारित्र की धारिता 100 पीको फैरेड है, यदि इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए गाइस इसमें हमको क्या लिखना है, हल लिखना है सबसे पहले, इसके बाद लिखना है दिया है, दिया है लिखने के बाद आपको जो जो चीज़ें दिया उनको लिखना पड़ता है। ये धारिता सी, सी बराबर कितना दिया है, 100 पीको फैरेड, ठीक है। अब पीको फैरेड को हम फैरेड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू टेन के पावर माइनस 12 फैरेड, इसमें चेंज हो जाएगा ना, ये 12 है, ये हो गया। अब देखिए यदि इसे 50 वोल्ट यानी वी की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम सूत्र जानते हैं, संचित ऊर्जा यू बराबर होता है हाफ सी वी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हाफ सी की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 10 के पावर, इसको लिख ही देते हैं, 100 गुणते 10 के पावर माइनस 12
इंटू बी का स्क्वायर मतलब क्या है, 50 है तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसको हम काट देंगे 50 बार में, तो आपका u बराबर हो जाएगा 50 गुणित 10 के पावर माइनस 12 गुणित, ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, 5 5 25, ये हो जाएगा इतना। अब इसका वर्क करोगे तो, अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 30 गुणित 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें दशमलव लाना है, ठीक है, यहाँ पे लाना है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, एक लिखकर 1 2 3 4, देखिए हम यहाँ पे इससे हम कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 1 लाख से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 1 लाख से भाग देंगे तो 1 लाख से गुणा भी करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका u बराबर 1.25 इंटू, ये अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 सुनना है, 10 के पावर माइनस 12 इंटू 10 के पावर 5। अब आपका u बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, ये बेस सेम है तो पावर एड हो जाएंगे, तो माइनस 12 प्लस 5 बराबर 10 के पावर माइनस 7, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा बेस शक्ति की गणना कीजिए, यानी कि इसमें हमको लिखना है दिया है हल, ठीक है, हल लिखना है दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है, भी की वैल्यू दे रखा है 220 वोल्ट, इसके बाद ये किसकी वैल्यू दे रखा है, पी की वैल्यू, पी बराबर 100 वाट, फिर दे रखा है वी डैश की वैल्यू, फिर दोबारा भी दिया 110 वोल्ट। अब बल्ब द्वारा बेस शक्ति की गणना कीजिए, देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि एक बल्ब को उसने क्या किया, 220 वोल्ट और 100 वाट पर जोड़ा, ठीक है, जोड़ने के बाद फिर उसी बल्ब को 110 वोल्ट पर जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 200 वोल्ट पर जोड़ा था फिर 110 वोल्ट पे जोड़ रहा है, तब देखिए इसका क्या आएगा। हम जानते हैं गाइस कि P बराबर था V का स्क्वायर बाई R, अब यहाँ से हम प्रतिरोध R की वैल्यू अगर निकालें तो R बराबर हो जाएगा V का स्क्वायर बाई P, ठीक है, ये R इधर जाएगा P इधर आ जाएगा, V का स्क्वायर मतलब क्या दिया, V पहले का 220 वोल्ट, ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटे कि पी की वैल्यू दे रखा है 100, पी की वैल्यू 100 दे रखा है। अब इसको हम अगर करेंगे इसका वर्ग तो ये हो जाएगा 484 00, ठीक है, स्क्वायर है तो ये 00 हो जाएगा अपान 100, ये 0 से 0 के जाएगा कट, और आर की आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा 484 ओम, ठीक है, ये आपकी आर की वैल्यू आ गई, प्रतिरोध आर की, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि बल्ब द्वारा बेस शक्ति की गणना कब, जब 100 110 वोल्ट पे जोड़ा जा रहा है तब, तो आपका पी बराबर हो जाएगा भी का भी डैश का स्क्वायर अपन आर, और ये होगा आपका पी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम करेंगे क्या कि पी डैश बराबर भी डैश की वैल्यू कितना है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट का स्क्वायर अपान आर की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली कितना 484 484 ओम। अब देखिए इसको आप ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 1210 अपान 484, ठीक है, आप इसको कट पिट कर जितना वैल्यू आ जाएगा आपको इसको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि दो लंबे समांतर तार परस्पर 3 सेमी की दूरी पर हैं, इनमें क्रमशः 2 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्येक तार द्वारा दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, इसमें लगने वाले बल की गणना करना है प्रति मीटर लंबाई पर। तो देखिए यफ, ठीक है, पहले हमको लिखना है क्या हल, हल के बाद हमको क्या लिखना है दिया है, दिया क्या क्या है, ये दूरी आर की वैल्यू दे रखा है 3 सेमी, सेमी को किस में कन्वर्ट करना है मीटर में, 3 × 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा आपका मीटर में। इसके बाद
इसमें इनमें क्रमशः आई, ये आई वन है, ये क्या है आई टू, आई वन की वैल्यू 2 एम्पियर, आई वन की वैल्यू 2 एम्पियर, ठीक है, और आपका आई टू की जो वैल्यू है वो कितना है 3 एम्पियर। देखिए ये दो चीज़ें आपको दे रखा है। अब पूछा तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए यफ प्रति मीटर लंबाई के लिए यल बराबर म्यूम अपान 2 पाई आई वन अपान आई टू, आई वन इंटू आई टू अपान आर। अब देखिए बल प्रति मीटर लंबाई पर हम बल ज्ञात करें तो ये आपका इसकी वैल्यू थी 2 × 10⁻⁷। अब देखिए आई वन आई टू की वैल्यू क्या दिया है, आई टू की वैल्यू 3 और आई वन की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 × 3। अब इसके बाद जो आपकी डिस्टेंस दे रखी वो 3 × 10⁻² दे रखी है, ठीक है, ये इतनी बात तो आप समझ रहे हैं। तो एफ एल बराबर हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 × 12, 12 × 10⁻⁷, और ये है 3 × नीचे क्या है 3 × 10⁻², यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × 12, और ये माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁷, 7 × 10⁻²। अब देखिए ये बेस सेम है, पावर 8 हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ और प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 10⁻⁵, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए बात कर लेते हैं यफ बाई जो यल है, ठीक है, यफ बाई यल बराबर कितना आया 4 × 10⁻⁵, इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन अपान मीटर, ठीक है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन और अपान में क्या है यल, यल यल है पर लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली इसको लिख देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रखा कि एक स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2√3 × 10⁻⁴ टेस्ला है, यदि उस स्थान पर नति कोण 30 अंश, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल होता है और ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल होता है, तो हम जानते हैं ये आपका क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ जाएगा ये हो जाएगा बी भी बराबर BH tan थीटा, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पूछ रहा है, क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल का मान पूछ रहा है, तो आपका BH बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा BV/tan थीटा, ये चीज़ें हो गई। अब BV की वैल्यू कितना दे रखा है, हमने ये चीज़ें नहीं बताया, आपको लिखना है हल, हल के बाद क्या लिखना है दिया है, दिया के बाद जो जो चीज़ें दिया है इसमें लिख देना है। ये ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि BV की वैल्यू दे रखा है कितना 0.2√3 × 10⁻⁴, ये चीज़ें दे रखा, और थीटा बराबर दे रखा आपका 30 डिग्री, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए BH बराबर इसकी वैल्यू रख देनी है 0.2√3 × 10⁻⁴, 10 थीटा 10 30 अंश, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितने 30 अंश, हम जानते हैं गाइस कि 10 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, इस चीज़ को आपको साइड में दिखाना है, इस एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने यहाँ पे क्या किया है। ये हो जाएगा 0.2√3 × 10⁻⁴ अपान 1/√3, देखिए 1/√3 कहाँ चलाएगा ऊपर, आपका BH बराबर हो जाएगा 0.2√3, ठीक है, ये √3 ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 10⁻⁴। अब देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो आपका BH बराबर हो जाएगा 0.2 × 3 × 10⁻⁴। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 0.6 × 10⁻⁴, ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 10 mH है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, निश्चित ही आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिखना है,
हल के बाद लिखना दिया है। देखिए न्यूमेरिकल में ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखना है, इससे स्टेप मार्किंग होती है। तो आपका स्व प्रेरक गुणांक यानी एल की जो वैल्यू दिया है 10 मिली हेनरी दिया है, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है हेनरी में, तो 10 × 10⁻³, ये चेंज हो गया कि इसमें हेनरी में। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, आपको डेल टी की वैल्यू दे रखा 5 मिली सेकेंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में, तो 5 × 10³⁻³ सेकेंड, ठीक है। इससे गुणा कर देते हैं तो इसमें बदल गया सेकेंड में। अब इसमें बता रहा है कि धारा 5 एम्पियर से 15 एम्पियर, यानी कि ये आई वन की वैल्यू दिया है, ये आई टू की वैल्यू दिया है, इसमें से इसको घटाएंगे तब पता चलेगी कि धारा कितनी बढ़ी है। तो आपका डेल आई बराबर हो जाएगा आई टू माइनस आई वन बराबर आई टू की वैल्यू कितना है 15 माइनस आई वन की वैल्यू कितना है 5, इसको आप घटा दोगे तो इसमें से आ जाएगा आपका 10 एम्पियर, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएगी। अब देखो, अब हमें सूत्र लगाना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस एल डी आई अपान डी टी, ये होता है, ठीक है। सिंपली हमको पुट कर देना, माइनस एल की वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 × 10³। डेल आई की वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 10 एम्पियर × 10 अपान। डेल टी की वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 × 10³⁻³, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा, ये हो गया 5 × 10, E बराबर हो जाएगा 10 × 20 माइनस 20 × 10³⁻³ अपान 10⁻³। ये 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस 20 वोल्ट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।